प्राचीन काल में एक से बढ़कर एक राजाओं का शासन रहा है, जो अपनी ताकत और क्रूरता की वजह से दुनिया भर में पहचाने जाते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसी रानी का शासन भी रहा है, जो अपनी खूबसूरती या कुशल दिमाग की वजह से नहीं, बल्कि खतरनाक सजा देने की वजह से इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा चुकी है। उस रानी के शासनकाल में आम लोगों के अलावा शाही परिवार के लोग भी खौफ खाते थे, जिसकी वजह से उन्हें इतिहास की सबसे खतरनाक रानी के रूप में जाना जाता है। मेडागास्कर की क्रूर रानी रानावलोना। हम जिस रानी की बात कर रहे हैं उसका नाम रानावलोना प्रथम था। रानावलोना का जन्म सन 1788 में मेडागास्कर में हुआ था, जबकि वो जन्म से किसी शाही परिवार या खानदान से ताल्लुक नहीं रखती थी। एक सामान्य से परिवार में जन्म लेने वाली रानावलोना का असल नाम रामावो था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि एक सामान्य लड़की रानी की गद्दी तक कैसे पहुंच गई। दरअसल उस दौर में इंडोनेशिया के कुछ शासकों ने मेडागास्कर के राजा एंड्रियानम पोइनी मेरिना की हत्या करने का प्लान बनाया था, ताकि वो मेडागास्कर पर अपना कब्जा कर सके। लेकिन ये बात रानावलोना के पिता को पता चल गई और वो तुरंत राजा के पास पहुंचे, जिसके बाद राजा को मौत के घाट उतारने की साजिश नाकाम हो गई थी। इस बात से राजा काफी ज्यादा खुश थे और उन्होंने रानावलोना को गोद ले लिया था। इसके साथ ही रानावलोना के पिता को वचन दिया कि वो भविष्य में अपने बेटे राडामा फर्स्ट की शादी रानावलोना से करवाएंगे। इस तरह सामान्य परिवार में जन्म लेने वाली रानावलोना का संबंध मेडागास्कर के शाही परिवार से जुड़ गया था, जो आगे चलकर राडामा फर्स्ट की पहली पत्नी बनी थी, जबकि राडामा फर्स्ट ने मेडागास्कर के राजा की गद्दी संभाली थी। रानावलोना के अलावा राजा की दूसरी 11 पत्नियां भी थी, लेकिन रानावलोना पहली पत्नी थी, इसलिए महारानी बनने का अधिकार उन्हीं को मिला। हालांकि रानावलोना की कोई संतान नहीं थी, इसलिए अगर किसी वजह से राजा राडामा फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में राज्य का कार्यभार रानावलोना के कंधों पर आ सकता था। वहीं दूसरी तरफ मेडागास्कर के राजा पद पर बैठने से पहले प्रतिभागी को अपने सबसे बड़े दुश्मन से मुकाबला करना पड़ता था, जिसे मौत के घाट उतारने के बाद ही वो राजा बन सकता था। राडामा फर्स्ट अपनी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि रानावलोना एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती थी और राजा को उसमें रानी जैसी कोई बात नहीं दिखती थी। राजा की गद्दी पर बैठने से पहले राडामा फर्स्ट ने रस्म के नाम पर अपना गुस्सा जाहिर किया और रानावलोना के परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी वजह से रानावलोना के मन में अपने पति के प्रति गुस्से और बदले की भावना उमड़ने लगी थी। रानावलोना ने कई बार अपने पति को मरवाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश हर बार नाकामयाब हो जाती थी। लेकिन साल 1828 में रानावलोना का सपना पूरा हुआ और उनके पति राडामा फर्स्ट की अचानक से मृत्यु हो गई थी, जबकि कई लोगों का मानना था कि राजा की मौत के पीछे रानी का हाथ था। लेकिन कोई भी शख्स इस बात को साबित नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से रानावलोना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वहीं राडामा फर्स्ट की मृत्यु के बाद उनकी बहन का बेटा राकोटोब को राजा का पद संभालने के लिए चुना गया था, क्योंकि राडामा फर्स्ट की खुद की कोई औलाद नहीं थी। लेकिन रानावलोना अपनी ननंद के बेटे को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उसने राजा बनने की रस्म निभाने के दौरान ही प्रिंस राकोटोब को धोखे से मरवा दिया था। इसके बाद राजा की गद्दी पर बैठने के लिए कोई प्रिंस या प्रतिभागी नहीं बचा था, जिसके बाद साल 1829 में रानावलोना ने राजा की गद्दी संभाली और मेडागास्कर की नई रानी बन गई थी। रानी बनने के बाद रानावलोना ने अपने पति राडामा फर्स्ट के शुरू किए गए कार्यक्रमों को बंद करवा दिया था, जिसमें यूरोपीय देशों से सामान खरीदना और बेचना, ईसाई मिशनरी स्कूल और एजुकेशन सिस्टम शामिल था। रानी रानावलोना ने यूरोपीय देशों के साथ होने वाले सभी व्यापारों को बंद कर दिया था, जबकि मेडागास्कर में रहकर काम करने वाले टीचर और डॉक्टर्स को भी अपने देश से बाहर भेज दिया था। इसके अलावा रानी ने अपने देश में चल रहे ईसाई धर्म के स्कूलों पर भी रोक लगा दी थी, क्योंकि उनका मानना था कि मेडागास्कर में मरीन लैंड के नियम, कानून और धर्म का पालन होना चाहिए। रानी रानावलोना के नए नियमों की वजह से फ्रांस को व्यापार में काफी नुकसान हो रहा था, जिसके चलते फ्रांस के राजा ने मेडागास्कर पर हमला करके उसके ऊपर कब्जा करने का फैसला किया।
इसके लिए फ्रांस के सैनिक मेडागास्कर की जमीन में दाखिल हो गए थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेडागास्कर की जमीन पर जहरीले मच्छर उनका इंतजार कर रहे थे। इन मच्छरों ने फ्रांस के सैनिकों पर हमला कर दिया, जिनके काटने से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी फैल जाती है और फ्रांस के सैनिकों का शरीर मलेरिया की बीमारी से लड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। इस बात का फायदा उठाकर मेडागास्कर के सैनिकों ने फ्रांस की सेना पर हमला कर दिया और वो इस जंग में बुरी तरह से हार गए थे, जिसके बाद रानी रानावलोना ने फ्रांस के सैनिकों को मौत के घाट उतरवाकर उनके सिर धड़ से अलग करवा दिए थे। इतना ही नहीं, फ्रांस के सैनिकों के सिर को समुद्र किनारे लटकाया गया था ताकि फ्रांस समेत पूरी दुनिया को पता चल सके कि मेडागास्कर पर हमला करने का नतीजा क्या होता है। रानी रानावलोना शाही परिवार के किसी भी सदस्य या सैनिक पर विश्वास नहीं करती थी, इसलिए वो समय समय पर हर इंसान की परीक्षा लेती थी। जब भी रानी को किसी सैनिक या व्यक्ति पर शक होता था तो वो उसे कच्चा मांस खाकर टेंजिना नाम के टेस्ट को पूरा करने के लिए कहती थी। इस टेस्ट के तहत कच्चे चिकन में टेंजिना नाम का जहरीला बीज डाला जाता था, जिसे खाने से उल्टी और बुखार की समस्या होने लगती है। अगर सैनिक उस मांस को खा लेता था और उल्टी करके जहरीले बीज को मुंह से बाहर निकालने में कामयाब हो जाता था तो वो मेडागास्कर और रानी के प्रति वफादार माना जाता था। लेकिन अगर किसी वजह से सैनिक कच्चा मांस खाने में असमर्थ होता था तो उसे गुप्तचर या देशद्रोही मान लिया जाता था, जिसके बाद उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। इतना ही नहीं, उस सैनिक के कटे हुए सिर को पूरे राज्य में घुमाया जाता था ताकि आम लोगों के साथ साथ सैनिक भी इस बात से सतर्क हो जाएं कि अगर उन्होंने रानी के साथ विश्वासघात करने की कोशिश की तो उनका अंजाम क्या होगा। इसके साथ ही रानावलोना को प्राचीन काल में दी जाने वाली सजाएं काफी ज्यादा पसंद थी, जिसके तहत अपराधी को खौलते पानी या तेल में जिंदा डाल दिया जाता था और उसे तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा जाता था। इस तकनीक और सजा के जरिए रानावलोना ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा था, जिसकी वजह से मेडागास्कर के लोगों के मन में रानी के प्रति खौफ और मृत्यु की भावना उमड़ने लगी थी। हर कोई रानी से डरता था, इसलिए कोई भी उसके फैसले के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश नहीं करता था। रानी रानावलोना ने अपनी सेना और सैनिकों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें खुली छूट दी थी, जिसके दम पर वो राज्य के किसी भी नागरिक को मौत के घाट उतार सकते थे। यहाँ तक कि रानी खुद राज्य के आम लोगों और राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उनके परिवार के सामने मौत के घाट उतार देती थी, ताकि उनके मन में रानी की क्रूरता का खौफ बना रहे। सेना का विश्वास जीतने के बाद रानी को खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके सैनिक रानी के खिलाफ बोलने या फिर विरोध करने वाले व्यक्ति को पहले ही मार देते थे। इस बीच रानी रानावलोना की मुलाकात एक हथियार बनाने वाले बाहरी व्यापारी से हुई थी, जिसने रानी को शासन करने की नई तकनीक सिखाई थी और रानी उस व्यक्ति की बातों से काफी ज्यादा प्रभावित हो गई थी। रानी रानावलोना ने उस शख्स को मेडागास्कर की सेना में शामिल कर लिया और उसे हथियार बनाने का काम सौंप दिया, जबकि इस दौरान रानी अपना ज्यादातर समय उस शख्स के साथ ही बिताती थी। इस तरह कुछ समय बाद रानी रानावलोना को उस व्यक्ति से प्यार हो गया और दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली थी। लेकिन शादी के बाद भी रानी का पागलपन और क्रूरता बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। एक दिन रानी रानावलोना ने अपने राज्य के लोगों को आदेश दिया कि वो जंगली भैंसों का शिकार करके लाएं, जिसके बदले आम लोगों को इनाम दिया जाएगा। मेडागास्कर के ज्यादातर लोग शिकार करना नहीं जानते थे, लेकिन रानी के आदेश को ना मानने पर उनकी मौत हो सकती थी, लिहाजा वो सभी लोग पैदल यात्रा करते हुए जंगल में जा पहुंचे, जहां उनके पास जंगली भैंसों का शिकार करने के लिए कोई हथियार या तकनीक नहीं थी। जंगली भैंसों के हमले से लगभग 10,000 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल थे। जंगली भैंसों को मारने का ये कार्यक्रम लगभग 16 हफ्तों तक चला था, जबकि इस दौरान कोई भी इंसान एक जंगली भैंस का शिकार नहीं कर पाया था। वहीं दूसरी तरफ जो लोग जिंदा वापस लौटकर गए थे, उन्हें रानी रानावलोना के गुस्से और कठोर सजा का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से कई लोगों ने रास्ते में ही अपनी जान दे दी थी। वहीं दूसरी तरफ रानी रानावलोना के इस आदेश की वजह से शाही परिवार में उनका विरोध होने लगा था, जबकि रानी का बेटा राडामा सेकंड खुद अपनी माँ के फैसलों के खिलाफ था। लेकिन रानी के पद में होने की वजह से राडामा सेकंड अपनी माँ के फैसलों को बदल नहीं सकता था, लेकिन वो जानता था कि रानी के आदेशों और अत्याचारों की वजह से मेडागास्कर की जनता काफी ज्यादा परेशान है।
इसी वजह से शाही परिवार में अंदर ही अंदर रानी रानावलोना का विरोध होने लगा था, जिसके बाद 16 अगस्त 1861 में रानी रानावलोना की नींद में ही मौत हो गई थी। कई लोगों का कहना है कि शाही परिवार के सदस्यों ने रानी के भोजन में जहर मिलाया था, लेकिन इन दावों के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं। रानी रानावलोना ने लगभग 33 साल तक मेडागास्कर पर शासन किया था, जबकि इस दौरान उन्होंने आम लोगों, सैनिकों और शाही परिवार के सदस्यों पर कई तरह के अत्याचार भी किए थे। वहीं रानी रानावलोना की मृत्यु के बाद उनके बेटे राडामा सेकेंड को मेडागास्कर का नया राजा बनाया गया, जो अपनी माँ के अत्याचारों को बचपन से देखता और सहन करता आया था। कहा जाता है कि रानी रानावलोना ने अपने शासनकाल के दौरान मेडागास्कर की लगभग 75% जनसंख्या को खत्म कर दिया था, जबकि अपने देश को फ्रेंच कॉलोनी बनाने से बचाया था। वहीं उनके बेटे राडामा सेकेंड के शासनकाल में आने के बाद साल 1896 में मेडागास्कर को फ्रेंच कॉलोनी बना दिया गया था, जहां फ्रांसीसी अधिकारियों के नियम कानूनों का पालन किया जाता था। हालांकि बाद में मेडागास्कर फ्रांस के कब्जे से आज़ाद हो गया और वर्तमान समय में इस देश की कला, संस्कृति और खान पान पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि रानावलोना को इतिहास की सबसे क्रूर रानी क्यों माना जाता है और इसके पीछे क्या वजह थी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।